नमस्कार, मैं मित्र आप सबसे छोटा छोटा उपाय बताने के लिए आया हूँ, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छी तरीके से उज्ज्वलमुक्त और परेशानी मुक्त होने वाला है। मैं कोई वैद्य नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, कोई ओझा नहीं हूँ। हाँ, ऊपर अला का कुछ कृपा मुझ पर बरसा हुआ है, जिससे मैं आप सभी को जानकारी प्राप्त कराने के लिए आया हुआ हूँ। अगर मेरे ये नया चैनल को आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए नया नया उपाय जानने के लिए। आप शनि से परेशान है, मंगल से परेशान है, तो आप लोग जाते एस्ट्रोलॉजर के पास, कोई जो गणना होता है या फिर कोई तांत्रिक ओझा के पास जाते हैं, तो ढेर सारा खर्चा या ढेर सारा उपाय बताते हैं, जिससे आप लोग सभी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी वो भी पर्याप्त नहीं होता, तो इसीलिए आप सभी से गुजारिश है, ये छोटा सा उपाय आप सभी करके देखिए। जिन लोगों को शनि और मंगल का भारी प्रकोप घिरा हुआ है और कारोबार में लॉस हो रहा है, शरीर को बीमारियों से घेरा हुआ है, घर परिवार में अशांति का माहौल बना हुआ है, तो इन सभी से सिर्फ 15 दिन में छुटकारा मिल सकता है। अगर आप लोग मेरी बातों को, उपायों को अपने मन से और विश्वास से करेंगे तो ऊपर बैठे ऊपर वाला, या आप लोग कह सकते अल्लाह, भगवान, जो भी है, एक ही है, वो आपको सभी को तुरंत ही मुक्त करेंगे ये सब उलझनों से। तो अगर शनि का कोई दोष है तो कुछ नहीं, आप लोग किसी भी किसी बात की ये उपाय कर सकते हैं। तो उपाय क्या है, आइए जल्दी से आप सभी को बोल देते हैं, सुन लीजिए अच्छा तरीके से। नियमों का थोड़ा से ऊंच नीच ना करें, आप लोग तुरंत ही ये उपाय करेंगे। छोटा सा उपाय है, बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक केला का पत्ता लीजिए और उसमें 1 पौवा काला दाल, 1 पौवा गुड़ और 1 पौवा काला तिल, तीनों एक लाइन में अलग अलग जगह में बैठा लीजिए, रख दीजिए केला का पत्ता के ऊपर, और एकदम प्रातः सुबह जब सारी दुनिया चैन के लिए सोते हैं, तब आप किसी भी शनि मंदिर में या किसी भी हनुमान मंदिर में उनका दरवाजे का जो सीढ़ी होते हैं अंदर जाने के लिए, वहाँ में रख के और वापस आ जाए। आपका श्रद्धा जो हो आप कीजिए, लेकिन पीछे मुड़ते और देखने का जरूरत नहीं है, आप लौट करिए। इसके बाद आप ये उपाय का चमत्कार आपके जीवन में देखने को मिलेगा और 15 दिन के अंदर ही आपका जीवन में नया सवेरा का उठना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय कीजिए, विश्वास के साथ अपने जीवन को सुंदर, शांति और समृद्धि के तरफ ले जाइए। आपसे अभी विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नया
उपाय के साथ सभी को